वेलकम टू स्पेल आउट की एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज हुई टॉप गन मैवरिक मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये मूवी 1986 में रिलीज हुई टॉप गन मूवी का सीक्वल है। तो इस मूवी की स्टोरी को समझने के लिए आपको इसके पिछले सीक्वल को देखना जरूरी है। तो ये पहली ऐसी मूवी है जिसका सीक्वल 36 साल बाद आया है। और बात करें इस मूवी की टाइमलाइन की तो वो ऑलमोस्ट 2 hours 17 minutes हैं। और ये एक एक्शन एडवेंचर बेस्ड मूवी है। और बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, इस मूवी में हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन मैवरिक यानी टॉम क्रूज हैं, उन्हें कुछ नए पायलट्स को ट्रेनिंग देनी है वापस टॉप गन इंस्टीट्यूट में जाकर, जहाँ पर कि वो पिछले पार्ट में एज ए स्टूडेंट थे। और वो पिछले 30 साल से अब एक टेस्ट पायलट हैं। और पिछले 30 सालों में टॉम क्रूज को जितने भी प्रमोशंस दिए जाते हैं वो उन सभी को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जेट उड़ाना पसंद है, ऑर्डर देना नहीं। तो जब वो वापस जाते हैं टॉप गन इंस्टीट्यूट में तो उनके हाथ में होता है एक मिशन, जिसके लिए उन्हें टॉप गन इंस्टीट्यूट में जाकर उन सभी नए पायलट्स को ट्रेन करना था उस मिशन के लिए। बट प्रॉब्लम ये थी, उस ट्रेनिंग बैच में उनका एक पास्ट था। अब वो पास्ट क्या था और वो मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, वो पता चलेगा आपको इस मूवी को देखने के बाद। और पर्सनल ओपिनियन से कहूँ तो इस मूवी को देखते हुए आप कहीं बोर नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज इस मूवी के सभी कैरेक्टरों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में। इस मूवी का एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसमें फाइटर जेट उड़ाते वक्त कोई CGI का यूज़ नहीं करा गया, और ना ही इस मूवी के स्टंट्स में। टॉम क्रूज ने इस मूवी में सारे स्टंट खुद ही करे हैं। हालांकि टॉम क्रूज एक सर्टिफाइड एंड लाइसेंस होल्डर पायलट हैं, तो इस मूवी में उन्हें फाइटर जेट उड़ाते हुए कोई दिक्कत नहीं हुई। बट स्टिल स्टंट करना हवा में जेट्स को लेकर वो रिस्की मोमेंट है इस मूवी के लिए। एंड शायद यही रीज़न था जिसके लिए मैं इस मूवी को देखने के लिए भी गया था। और जैसे कि मैंने इस मूवी के स्टार्टिंग में भी बोला था और इस मूवी के लास्ट में भी बोलूँगा, तो अगर आपको इस मूवी से कनेक्ट होना है तो इसका पिछला पार्ट जरूर देख लें, यानी टॉप गन, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और साथ ही इस मूवी में हमें कोई इंटीमेट सीन भी देखने को नहीं मिलता है, तो इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो टोटल कंक्लूजन की बात करूँ तो एक अच्छी स्टोरी के साथ आपको एक्शन थ्रिलर और एडवेंचर देखना हो तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ये मूवी। आई होप आपको इस मूवी का रिव्यू पसंद आया हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मतलब आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।